हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केसर क्रिएशन। आज वापस मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। और आज का वीडियो चालू करूँ उससे पहले फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और बाजू में जो बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस करना ताकि मेरे जो भी नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू आइडिया लेके आई हूँ, और वो है देखो, ये मैंने ब्लाउज सिला। तो ब्लाउज सिलने के बाद उसकी इतनी सी बॉर्डर, ये दो पीस में है, साइड में से इतनी बॉर्डर बची हुई है, ये ब्लाउज की बॉर्डर बची, और उसमें से साइड में से ऐसे थोड़ा सा मैंने ये पट्टी भी निकाल लिया है ऐसे। तो ये दो मटेरियल से मैं ये ब्लाउज के साथ एक मैचिंग चीज बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको अगर सीखना है तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि आज मैं आपको क्या यूजफुल आइटम ऐसे वेस्ट मटेरियल में से बना के दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो बना के दिखाने वाली हूँ उसके लिए मैंने ये एक जो ब्लाउज का फैब्रिक है उसको निकाला है। तो इसकी लेंथ है 30 और चौड़ाई है 4, 30x4 का ये पीस है, और इसका मेजरमेंट है 4x8। तो ये दो पीस 4x8 के मैंने कट किए और थे ही इतने, तो इसमें से ही मैं एक यूजफुल आइटम बना के दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये पूरा पीस है उसको हमें इस तरह से प्लेट्स लगानी है और दोनों साइड सिलाई लगानी है। ऐसे पूरे में प्लेट्स लगाते लगाते इतना बन जाएगा हमारा, ये 8 का, तो ये 30 का है, तो हमें 16 का बनाना है। तो इतनी प्लेट्स हम इसमें डाल देंगे। तो इसके अंदर मैं ऐसे प्लेट्स लगा के फिर आगे की प्रोसेस में आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, ये मैंने पूरे में इस तरह से प्लेट लगा दी, दोनों साइड सिलाई लगा के प्रेस कर दी इसके ऊपर। तो ये हमारा 30 का 15 हो गया, आधा हो गया है, ये आधा पीस हो गया। 30 का मैंने पीस लिया था और प्लेट्स डाल के मैंने उसको 15 कर दिया, 15 कर दिया। अभी ये भी 15 साइज है, तो ये दो पीस थे उसको मैंने बीच में से जॉइंट कर दिया। अभी हमें इसको इसके साथ जॉइंट कर लेना है, सिलाई लगा के इसके साथ ऐसे जॉइंट करना है। तो इतना जॉइंट करके फिर आगे दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखो, इसके साथ मैंने एकदम अच्छे से इसे जॉइंट कर दिया। तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ पीस रेडी हो गया। अभी मैंने इसके नाप से लाइनिंग भी ज्वाइंट किया है। लाइनिंग भी ब्लाउज सिलने के बाद जितने भी छोटे छोटे पीस बचे थे उसको मैंने ज्वाइंट करके बनाया है। तो ये भी मेरा वेस्ट फैब्रिक का ही रीयूज है। तो अभी हमें इसके साथ इसे चारों साइड सिलाई लगा के फिक्स कर देना है। तो देखो, मैंने इसके साथ इस तरह से लाइनिंग भी चारों साइड सिल के अटैच कर दिया। अब हमें उसको सेंटर से ऐसे वन टाइम ऐसे फोल्ड किया एकदम अच्छे से, और ऐसे सेकंड टाइम, तो ऐसे दो बार हमें अच्छे से फोल्ड करना है, और यहाँ से हमें इस तरह से राउंड शेप देना है। ऐसे सेम इस तरह से हमें राउंड शेप देना है 4 बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4 फोल्ड है ये, 4 फोल्ड करके फिर हमें उसे इस तरह से शेप दे देना है। ऐसे शेप देने के बाद यहाँ से हमें उसे अलग कर देना है, ये सेंटर से दो पार्ट कर देंगे इस तरह से। ये हमारे पास दो पार्ट हो गए। अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ, इसके बीच में हमें जीप लगानी। तो फ्रेंड्स देखो, ये मैंने जीप लिए, तो जीप हम ऐसे सीधा सीधा पार्ट आमने सामने रखते हुए सिलाई लगाएंगे, फिर ऐसे टॉप स्टिच लगाए, ऐसे हमें इसमें फिट करनी है। उससे पहले एक ये मैंने डोरी ली है हैंगिंग के लिए, तो यहाँ पे फिट करेंगे और दूसरा डोरी का पार्ट यहाँ पे फिट करेंगे, साइड से हाफ इंच छोड़ के। साइड से हाफ इंच छोड़ते हुए हमें यहाँ पे और यहाँ पे डोरी फिट करनी है। उसके बाद यहाँ पे जीप एक पार्ट और एक पार्ट इस पे ऐसे हमें फिट करना है। तो इतना फिट करके फिर आगे दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे मैंने डोरी लगा दी और बीच में जिप भी एकदम फिनिशिंग के साथ ऊपर टॉप स्टिच लगा के फिनिश कर दिया। डोरी का एक पार्ट यहाँ पे और एक पार्ट यहाँ पे ऐसे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लगाया। अब हमें डोरी को बीच में रखना है और इसको ऐसे जॉइंट करना है, और
इसे सिलाई लगा के हमें पक्की सिलाई लगा के यहाँ से यहाँ तक हमें फिनिश करना है, पूरा पैक कर देना है। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी, अब हम उसको पलटी करेंगे। ये जीप खोल के ये हम उसे पलटी करेंगे, अच्छे से उसका राउंड शेप देते हुए हम उसे पलटी कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखो ये मैंने पलटी कर दिया, तो कुछ इस तरह से साड़ी के साथ साड़ी के ब्लाउज का बचा हुआ पीस में से मैंने मोबाइल पाउच गिनो या थोड़े बहुत पैसा भी इसमें रह जाएंगे, इतना अच्छा सा मैंने इसका पूरा मेजरमेंट बताऊं तो ये 7x6 का, इसकी साइज 7x6 की है। और ये मेरा डोरी वाला मोबाइल पाउच या डिजाइनर पर्स बोलो तो भी चलेगा, ये अच्छा सा और वेस्ट फैब्रिक का यूज करके मैंने बना दिया। तो ये साड़ी के साथ, ये कस्टमर का ब्लाउज था उसके साथ बचे हुए पीस में से मैंने उसको ये भी बना के दिया। तो देखो कितना यूजफुल आइडिया है, आप ऐसे पीस ऐसे ही कचरे में फेंक देते हो, पर ऐसा आइडिया अपना माइंड लगा के इस तरह से कुछ बनाओगे तो ये मार्केट में भी नहीं मिलता है, ऐसी चीज़ हमें मार्केट में भी दिखने को नहीं मिलेगी। तो ये मैंने एकदम यूजफुल चीज़ एकदम छोटे से पीस में से, वो भी ब्लाउज सिलने के बाद बचे हुए पीस में से बनाई है। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा आइडिया और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वापिस मिलेंगे ऐसे ही नए नए और यूजफुल आइडिया के साथ, और ऐसे ही वेस्ट मटेरियल में से हम घर पर बिना एक पैसा खर्च किए कैसे कुछ भी बना सकते, ऐसे आइडिया लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स आशा है आपका सपोर्ट मुझे हमेशा मिलता रहेगा। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं वापस ऐसे ही नए आइडिया के साथ, तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद, बाय बाय।